आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएफआई हो या फिर आरएसएस हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, सभी जो है एक है, ऐसे संगठन को बैन करना चाहिए, चाहे वो पीएफआई हो या फिर अन्य संगठन हो, सभी पर बैन लगाना चाहिए। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि आरएसएस को जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस वक्त भी बैन किया गया था, तो आरएसएस भी इसमें शामिल है, आज आरएसएस भी जो है देश विरोधी काम करती है। तो लालू यादव जो है पीएफआई के साथ आरएसएस को भी जोड़ रहे हैं, और साथ में जो अन्य संगठन हैं, दुर्गा वाहिनी सेना हो या फिर विश्व हिंदू परिषद हो, सभी को लालू यादव एक साथ जोड़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली में है, दिल्ली में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वो आज नॉमिनेशन भरा है, और आज मीडिया से बात करते हुए पीएफआई को लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ जो है मुस्लिमों को टारगेट करके ध्रुवीकरण की राजनीति करने के लिए ऐसी चाल चल रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। अब इनका दिन लद गया है, पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लालू जी, लालू जी, पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक दफा ओके, लालू जी, एक दफा आपने बीजेपी पर एक बार पूछ लीजिए, सवाल हो चुका है सर, एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। पीएफआई पर प्रतिबंध लगा गया सर, पीएफआई का जांच हो रहा है, और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस सब पर प्रतिबंध लगाइए, एकरूपता लगे देखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और आरएसएस पर प्रतिबंध एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। आपका कैसा शासन है कि आपके शासन में हर तरह से इस तरह की बातें आती हैं और एक ही बजा बजाते रहते हैं टीवी में, दो बजा बजा रहे हैं, तो ये भाई का एक हुआ दिखा रहे हैं लोगों को। सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस पर, ये उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथा। लालू जी, क्या आप नीतीश कुमार को लाल किला पे भेजिएगा झंडा फहराने के लिए, नीतीश कुमार को दिल्ली पहुंचाइएगा आप, और तेजस्वी को कब तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे? टाइम पर इंतजार करिए। आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार संभालें? बिल्कुल, और नीतीश जी देश संभालें, सब लोग मिलकर संभालेंगे। बीजेपी को हराया जा सकता है? बिल्कुल हराया जा सकता है, 14 से पहले बीजेपी बात हो रही है लोगों से, सोनिया जी से, मैडम से बात हुआ, संगठन का चुनाव बोली मैडम की के बाद फिर हम लोग बैठेंगे, और बड़ी पार्टी है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सोनिया गांधी नीतीश कुमार और लालू यादव से मुलाकात नहीं की, फोटो नहीं, नहीं केवल 15-20 मिनट तक मुलाकात हुई, चैम्बर में महिला के घर में फोटो खिंचवाने हम लोग गए थे। बीजेपी वाला पूछ रहा है? अरे बीजेपी वाला को तो कुछ भी पूछेगा, तो बीजेपी वाला को पता नहीं है, मैं थोड़ा पीछे यार, मैं क्या करूं? देश के लोग वहाँ 250 लोग गेट पर थे, एक दो घंटा तक हम लोग से मुलाकात हुई है, विस्तार से बात हुई, बोलता कि मुलाकात नहीं हुई, तो घबरा क्यों रहा है सोनिया गांधी? घबरा रहा है सब, ये सब इकट्ठा ही लोग कर रहा है। धन्यवाद। लालू जी, एक बिहार में आपने पहले भी बीजेपी का रथ रोका था, इस बार भी उम्मीद करें जिस तरह से बीजेपी का पताका और सब इनका पताका उड़ जाएगा इस बार, साफ हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।